हाय गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। तो जैसा आप सब जानते हो कि मैं अपने चैनल पे अमेरिका की जॉब्स, वीजा, लाइफस्टाइल के बारे में वीडियोस डालती रहती हूं। तो अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ये सारी वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। सो गाइस, जो आज का टॉपिक है वो है H1B वीजा, जिसका कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है 1 मार्च से। तो मैं वही आप लोगों को बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में आप लोगों को कि कितने पैसे लगते हैं इस वीज़ा में, क्या प्रोसेस है या कौन से लोग एलिजिबल हैं इस वीज़ा के लिए। और गाइज, एक और बात, बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि मैं आप लोगों को जॉब दे दूँ। तो मैं फिर से आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को जॉब नहीं दे सकती। मैं बस आप लोगों को सही और सच्ची इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ अमेरिका के बारे में, अमेरिका के वीज़ा के बारे में या लाइफस्टाइल दिखा सकती हूँ, पर मैं ऑथोराइज नहीं हूँ कि मैं किसी को भी जॉब दूँ। सो प्लीज़ गाइज, जब भी आप कमेंट ऐसा करते हो और मैं रिप्लाई नहीं करती तो नाराज़ मत हुआ करिए, क्योंकि मैं ऑथोराइज ही नहीं हूँ कि मैं आपको जॉब भी दे पाऊँ। और साथ में एक और रिक्वेस्ट है आप सबके लिए कि मेरी हर एक वीडियो में आप सब अपना नाम, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे पता चलता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरी YouTube फैमिली के लोग हैं, वो कहां कहां से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और जब मैं देखती हूं कि देश के कोने कोने से मेरे YouTube पे लोग जुड़े हुए हैं तो बहुत ही खुशी होती है और उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तभी मैं आप सबके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती रहती हूँ, लगातार कोशिश मेरी चल रही है। सो गाइज, चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि H1B वीज़ा क्या है। सो बेसिकली ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में आता है, और आप इसे कह सकते हो वर्क वीज़ा या टेम्प्रेरी वीज़ा कहते हैं इसे। यानी कि जो भी H1B वीज़ा पे अमेरिका आते हैं वो यहाँ US में किसी एक स्पेसिफिक कंपनी में काम करने के लिए आते हैं, वो कंपनी उस वीज़ा को फाइल करती है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये वीज़ा कैसे डिफरेंट है स्टूडेंट वीज़ा से या टूरिस्ट वीज़ा से। सो बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा आप खुद से अप्लाई करते हो। आप किसी कॉलेज में दाखिला लेने जाते हो तो उसके बाद आप अपना F1 वीज़ा यानी कि स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो, और साथ में अगर आप टूरिस्ट हो या अमेरिका घूमने आना चाहते हो तो आप उसके लिए अपना B कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करते हो। पर जो H1B वीज़ा है ये आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक कंपनी चाहिए जो कि आपका H1B वीज़ा फाइल करे। तो सबसे पहले तो अगर आपको H1B वीज़ा चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिनका ब्रांच US में है या जिनका कोई क्लाइंट US में है, जो कि आपको US में काम दे सकता है और दिखा सकता है कि हाँ ये वर्कर US में काम करने के लिए एलिजिबल है, या फिर कोई US की ही कंपनी है और वो आपका वीज़ा स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है, तो आप H1B कैटेगरी वीज़ा के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। पर अगर आप चाहोगे कि आप खुद से अपने लिए H1B फाइल कर लो या किसी दोस्त से करवा लो तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो गाइज, जो ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है H1B वीज़ा के लिए वो है 1 मार्च से, 1 मार्च 2022 से 18 मार्च तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। तो मेरा सजेशन है आप सबके लिए कि अगर आप ऐसे किसी भी कंसल्टिंग फर्म को जानते हैं या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कि H1B वीज़ा फाइल करती है अपने वर्कर्स के लिए जिनका ब्रांच है यहाँ अमेरिका में, तो आप उनसे बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरा भी आप H1B वीज़ा फाइल कर दो। और उससे पहले बता दूं कि अगर आप स्टेम कैटेगरी में काम करते हो यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो ही आप H1B वीज़ा के लिए एलिजिबल बनोगे। सो अगर आप इन सारी कैटेगरी में काम करते हो और अगर आप ऐसी कोई कंपनी ढूंढ सकते हो, देख सकते हो, कंसल्टिंग फर्म देख सकते हो, तो आप बात करें और उन्हें बोलें कि मेरा H1B एप्लीकेशन फाइल करो। और इसका प्रोसेस होता है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन, जो कि शुरू हो रहा है 1 मार्च को, तो मान लीजिए आपका किसी भी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, एप्लीकेशन फाइल कर दी H1B के लिए 1 मार्च को से लेके 18 मार्च तक, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ $10 लगते हैं, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। तो अगर आपसे कोई ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो आप ना दें, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ $10 लगते हैं ये फ़ाइल करने के लिए। और जैसे ही वो कंपनी आपका H1B फाइल करती है तो एक ट्रैकिंग नंबर जनरेट होता है, और उसके बाद 31 मार्च से लॉटरी सिलेक्शन शुरू होगा। और ये लॉटरी बिल्कुल भी रैंडम सिलेक्शन होता है, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत सारे आते हैं,
कुछ 2.5-3 लाख एप्लीकेशन आते हैं हर साल, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 65,000 एप्लीकेशन सेलेक्ट होते हैं लॉटरी के अंदर, और साथ में 20,000। तो 20,000 जो सेलेक्ट होते हैं वो जो US में मास्टर्स किए रहते हैं उनके लिए, और बाकी जो 65,000 लोग हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से सेलेक्ट होते हैं, बट उसमें 70% इंडियन होते हैं क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आती हैं यहाँ H1B के लिए। सो लॉटरी का प्रोसेस शुरू होता है 31 मार्च से, और उसके बाद रैंडमली वो 3 लाख एप्लीकेशंस में से जितने भी एप्लीकेशन फाइल हुए रहते हैं उनमें से रैंडमली सिलेक्शंस होता है लॉटरी में। कोई भी जुगाड़ काम नहीं करता। अगर आप सोच रहे हो कि किसी भी तरीके से आपका एप्लीकेशन को पिक करवा दिया जाए तो ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही रैंडम प्रोसेस होता है यहाँ अमेरिका में। USCIS कंडक्ट करती है ये लॉटरी प्रोसेस, और सारा प्रोसेस, अगर वीज़ा से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो USCIS का वेबसाइट है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लेना। सो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो लोग लॉटरी का प्रोसेस करते हैं, फिर रैंडमली 65,000 प्लस 20,000 एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं, और वो एप्लीकेशंस जब सेलेक्ट हो जाता है तो जो भी कंपनी आपका H1B फाइल की हुई होती है वो आपका पिटीशन फाइल करती है। उस पिटीशन में काफ़ी सारा डिटेल जाता है कि आप काम करते हो, क्या काम करते हो, किस कंपनी के लिए, किस क्लाइंट के लिए काम करने वाले हो, आप किस टेक्नोलॉजी के हो, तो सारी चीज़ें उस पिटीशन में जाती है। जो पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल होता है, उसमें कुछ ही बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, आपका पासपोर्ट नंबर चाहिए रहेगा, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आई थिंक कुछ 3-4 चीज़ें ही चाहिए रहती हैं, और आपका एप्लीकेशन बस सबमिट हो जाता है। बट जो एक्चुअल पिटीशन है वो जब लॉटरी में आपका एप्लीकेशन पिक हो जाएगा उसके बाद फाइल होता है। और इस साल लॉटरी सिलेक्शन कुछ 3 बार किया था USCIS ने, क्योंकि जितने भी 85 एप्लीकेशंस सेलेक्ट हुए थे लॉटरी के थ्रू लास्ट ईयर उसमें से बहुत सारे पिटीशन फाइल नहीं हुए थे, तो इनका यहाँ रूल है कि 85,000 लोगों को तो H1B देना ही देना है हर एक साल। तो जैसा आप सब जानते हो कि कोविड की वजह से पिटीशन यानी कि बाहर से कई सारी कंपनीज अमेरिका नहीं भेज पाई अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वहाँ पे जो गैप हुआ उसको फुलफिल करने के लिए दूसरी बार लॉटरी निकाला गया USCIS के द्वारा। फिर भी जो 85,000 का क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हुआ, सो इसीलिए तीसरी बार भी लॉटरी के थ्रू एप्लीकेशंस को निकाला गया यहाँ अमेरिका में, वो अक्टूबर के अराउंड हुआ था शायद। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका एप्लीकेशन लॉटरी में पिक हो जाए, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी कंपनीज़ बाहर से नहीं भेज पा रही हैं, या बहुत सारी रीजंस हैं कि लोग नहीं आ पा रहे हैं US। तो इसीलिए अगर आप किसी को जानते हो, किसी कंपनी को जानते हो जो कि, या किसी कंपनी के लिए काम करते हो जो कि आपका H1B फाइल कर सकती है, अगर आप H1B कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो तो आप कोशिश करें और उनसे बात करें कि आपका H1B फाइल करें ताकि आप अमेरिका में आके उस कंपनी के लिए काम कर सको। सो यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, आप जल्दी जल्दी कोशिश करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है तो नीचे कॉमेंट करें, और मैं कोशिश करूंगी कि आगे की वीडियोस में उन सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करूं। और साथ में आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आपका कोई सवाल है, तो मैं उस पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है fitlifebyamita, यहाँ जाएं और मुझे फॉलो कर लें। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे फिट, बाय।